हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैवरिक मरीनर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल द मरीन इंजीनियर्स गिविंग देयर MEO कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स। आई विल गाइड यू थ्रू वेरियस टॉपिक्स इन माय अपकमिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, नाउ वील सी मापोल एनेक्स 6। हियर वील सी डेटा कलेक्शन सिस्टम। सो वॉट इज दिस डेटा कलेक्शन सिस्टम? सो ये डेटा कलेक्शन सिस्टम जो है, इट विल कम अंडर मापोल एनेक्स 6 अंडर चैप्टर 4 एंड रेगुलेशन 22A, जिसका नाम है कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूल ऑयल कंजम्पशन डेटा। ये जो IMO DCS है, इट वॉज अडोप्टेड इन अक्टूबर 2016 इन MEPC 70th सेशन हेल्ड एट IMO। तो ये एंटर इंटू फोर्स कब है? सो इट हैज एंटर इंटू फोर्स ऑन मार्च 2018। आई रिपीट, फर्स्ट मार्च 2018 IMO DCS हैज एंटर्ड इंटू फोर्स। नाउ दिस IMO DCS इज एप्लीकेबल टू ऑल शिप्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5,000 ग्रॉस टनेज ऑन इंटरनेशनल वॉयज। अब सवाल ये है कि वाई 5,000 GT and above, not why not below that? The reason being that is there are more than 85% of the ships which are greater than 5,000 GT, which are on international voyage and they are continuously emitting CO2. तो इसकी वजह से ऐसे है कि अगर ये ships पे अगर restriction डाल दिया तो automatically आपके 85% ships पे वो restriction आएगा, which will considerably reduce the CO2 consumption, rather CO2 emission. Ab, what is the aim of DCS collection? DCS ka aim kya hai? Iska aim ye hai ki hum log ko ship se fuel oil consumption data collect karne ka hai, aur wo jo data hai, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करने का है। ऐसे नहीं कि एक शिप अलग तरीके से भेज रहा है, दूसरा शिप अलग तरीके से भेज रहा है। यू विल हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट थ्रू विच द डेटा इज सपोज टू बी सेंड। ये जो कलेक्टेड डेटा है, इस डेटा का अभी क्या करने का है? तो IMO विल यूज दिस डेटा टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर गाइडलाइंस फॉर फर्दर रिडक्शन ऑफ GHGs। दैट इज, इसके बाद नए नए गाइडलाइंस, आई मीन नए नए रूल्स, नए नए फॉर्मूलाज, ये सब डेवलप करने के लिए IMO इज गोइंग टू यूज दिस डेटा, सो दैट हमारे शिप से जो भी CO2 एमिट हो रहा है, इसको और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ही है, दिस IMO DCS इज ऑल्सो नोन एज सिम पार्ट 2। मतलब IMO DCS को सिम पार्ट 2 भी बोलते हैं। अभी शिपिंग कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शिपिंग कंपनीज इन द इनिशियल 10 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम 1st मार्च 2018 टू 31st डिसंबर 2018। अभी वील सी दैट, अभी फर्स्ट 10 मंथ्स में शिपिंग कंपनीज को क्या करने का था 2018 के बाद, मार्च 2018 के बाद। सो in the first 10 months ships had to collect the FO data, matlab ka fuel oil consumption data jo hai wo ships ko collect karne ka tha, then they have to submit this data to admin, ye data unko flag ko dene ka hai, admin matlab flag jahan pe ship register kiya jata hai। admin kya karega? Admin will check the data, admin will verify the data collection system, flag will have to approve the method of data collection। flag का responsibility इसमें यह है कि उनको जो data collection का method है उसको approve करने का है। if flag is satisfactory, rather if the flag is satisfied कि the method which is used to collect the data is correct, then flag will issue certificate of compliance, that is COC, to the ship। मतलब मैं वापस बताता हूं, फ्लैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें यह है कि उनको ये डेटा कलेक्शन सिस्टम जो है उसको अप्रूव करने का है। सो फ्लैग विल वेरीफाई द डेटा
Also, they will verify is the method of data collection appropriate. If they find it satisfactory, then they will issue a certificate of compliance. अभी what data is sent, कौन सा data send किया जाता है? तो basically अपने को fuel oil consumption send करने का है उनको. So for that there can be two to three methods. Either they can send the fuel oil consumption data by flow meters or by BDNs or by tank allege report. But generally if you see flow meter method is used, जो हम लोग एवरी नून रिपोर्ट में जो जाता है डेटा, सो वहां पे हम लोग फ्लो मीटर्स डालते हैं ना. सो फ्रॉम देयर वी फाइंड आउट फ्यूल कंजम्पशन. देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, दैट इज नोटेड, दैट दे नोटेड फ्रॉम डेक लॉग बुक. देन दे विल चेक व्हाट आर द आवर्स ऑफ प्रोपल्शन, मतलब हाउ मच टाइम द इंजन इज यूज्ड फॉर इट्स ओन प्रोपल्शन. तो ये दिया जाता है इंजन लॉग बुक या डेक लॉग बुक से. नाउ द लास्ट फैक्टर, नाउ लास्ट पॉइंट इज कार्बन कन्वर्जन फैक्टर. दिस इज डिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ फ्यूल एंड हर एक फ्यूल टाइप के लिए अलग अलग रहेगा. जैसे LSMGO, HFO, LNG, ये सब के लिए अलग अलग रहेगा. सो दिस डेटा इज सेंट. सो जो डेटा सेंड किया जाता है वो होता है फ्यूल ऑयल कंजम्पशन इन टन्स, कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉटिकल माइल्स, हाउ मेनी आवर्स द शिप इज यूजिंग इट्स ओन प्रोपल्शन एंड द कार्बन कन्वर्जन फैक्टर. दिस कार्बन कन्वर्जन फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूल टाइप. ओके नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस आईएमओ डीसीएस प्रोसेस. सो बेसिकली नाउ व्हाट शिप्स आर सपोज टू डू, अभी शिप ने क्या करना है. सो एक साल 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक शिप विल हैव टू कलेक्ट द डेटा एंड सेंड इट टू द कंपनी. आई रिपीट, वन फुल ईयर, दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, शिप विल हैव टू कलेक्ट द फ्यूल ऑयल डेटा एंड सेंड द डेटा टू द कंपनी. देन इन 3 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020, द कंपनी विल हैव टू वेरीफाई द डेटा विच वॉज सेंट फ्रॉम द शिप एंड देन सेंड इट टू द एडमिन. माने कंपनी ने जो भी डेटा है शिप ने भेजा हुआ फ्यूल ऑयल कंजम्पशन वाला डेटा, वो डेटा कंपनी ने वेरीफाई करने का है एंड देन कंपनी ने वो डेटा फ्लैग को भेजने का है. सो ये कब से कब तक होगा, तो एक साल खत्म होने के बाद अगले 3 महीने में. आपने अगर देखा तो एक साल जनवरी 19 से लेके दिसंबर 19 तक, मेरा मतलब है फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 शिप इज गोइंग टू कलेक्ट डेटा. देन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020, द कंपनी विल वेरीफाई द डेटा विच वॉज सेंड फ्रॉम द शिप एंड सेंड दैट डेटा टू एडमिन. उसके बाद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मई 2020, एडमिन विल वेरीफाई द डेटा. वंस वेरीफाइड दे विल इशू अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. आई रिपीट, अगले 2 महीने में, माने 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, वो टाइम पीरियड में, 2 महीने के टाइम पीरियड में फ्लैग को जो भेजा हुआ डेटा है वो वेरीफाई करने का है. अगर डेटा सही है, उनका वेरिफिकेशन सही रहा, तो दे विल इशू अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस टू द कंपनी. मतलब फ्लैग स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू करेगा कंपनी को. उसके बाद वाले नेक्स्ट महीने में, माने 1 जून से लेके 30th जून, मतलब ये 1 महीने के स्पैन में, फ्लैग हैज टू सबमिट द डेटा. फ्लैग हैज टू सबमिट द वेरीफाइड डेटा टू IMO वाया जीसिस. जीसिस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. जीसिस एक वेबसाइट है जो आप IMO के वेबसाइट पे देख सकते हो. तो वो जो जीसिस वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा फ्लैग ने अपलोड करने का है.
ताकि आईएमओ वो डेटा चेक करके जो पहले बताया था, दैट डेटा आईएमओ विल एनालाइज दैट डेटा एंड देन दे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दे विल डेवलप न्यू गाइडलाइंस और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज फर्दर रिड्यूस्ड. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या होती है. स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है वो फ्लैग इशू करता है. फ्लैग इज गोइंग टू इशू द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आफ्टर जो पहले बताया था वो डीसीएस का जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद, 1 साल 3 महीने, 2 महीने, 1 2 महीने के वेरिफिकेशन के बाद, 2 महीने के वेरिफिकेशन के बाद ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस फ्लैग इशू करेगा. सो इसका जो फॉर्मेट है इट इज गिवन इन एनेक्स 6 अपेंडिक्स 10. द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इज गिवन इन एनेक्स 6 अपेंडिक्स 10. दिस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इज वैलिड फॉर 1 ईयर. सो ईच एंड एवरी ईयर माने हर साल के डेटा कलेक्शन के बाद फ्लैग विल हैव टू इशू अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. आई रिपीट, आफ्टर ईच ईयर ऑफ डेटा कलेक्शन देन कंपनी वेरिफिकेशन एंड फ्लैग वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट इज डन द एडमिन विल हैव टू इशू अ न्यू स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एवरी ईयर. हर साल, हर साल, रिमेंबर दिस थिंग, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है वो हर साल रिन्यू होगा. ये बहुत जरूरी है समझना. अभी कंटेंट्स देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के. उसमें क्या क्या है, आपके शिप पर्टिकुलर्स रहेंगे उसके अंदर, नाम, आईएमओ नंबर और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री रहेगा, और भी चीजें रहेंगी, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आफ्टर दैट देर विल बी डेट ऑफ डेटा कलेक्शन, माने जो पीरियड है, डेट ऑफ डेटा कलेक्शन पीरियड विल बी मेंशन. माने 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019, ये प्रिंटेड रहेगा डेट ऑफ डेटा कलेक्शन पीरियड के सामने. उसके बाद आता है वैलिडिटी डेट. वैलिडिटी डेट इज फॉर 1 ईयर. सो दैट 1 ईयर वैलिडिटी जो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का, दैट डेट विल बी मेंशन, एक्सपायरी डेट विल बी मेंशन एंड डेट ऑफ इश्योरेंस विल बी मेंशन. ये 4 चीजें रहेंगी. सो द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आर शिप पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ डेटा कलेक्शन पीरियड, वैलिडिटी डेट एंड डेट ऑफ इश्योरेंस. ओके ओके, नाउ लेट अस सी द आईएमओ डीसीएस फ्लो चार्ट. इट इज द सेम प्रोसेस. आई हैव जस्ट ट्राइड टू समराइज इट इन अ वेरी स्मॉल फ्लो चार्ट एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिमेम्बर. सेम चीज है ये. आईएमओ डीसीएस जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया था वो सेम चीज मैं अभी आपको वापस बता रहा हूँ. ओके, चलो देखते. सो 1 जैन से लेके 31 जैन वो साल के लिए, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक शिप इज गोइंग टू कलेक्ट द फ्यूल डेटा बाय फ्लैग अप्रूव्ड सिस्टम. फ्लैग अप्रूव्ड सिस्टम माने वो सिस्टम जिसके ऊपर अपने को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस मिला है, जो पहले बताया था मैंने. सो दैट इज द अप्रूव सिस्टम. सो हर जहाज 1 साल के लिए फ्यूल डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो कंपनी को भेजेगा डेटा 3 महीने के अंदर. ठीक है, 3 महीने के अंदर वो डेटा कंपनी में जाएगा और कंपनी 3 महीने के अंदर वो डेटा वेरीफाई करेगी. इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 1 जैन से लेके 31 जैन तक कंपनी इज गोइंग टू वेरीफाई द डेटा एंड सेंड दैट डेटा टू फ्लैग. आई रिपीट, 3 महीने में जो शिप से भेजा हुआ डेटा है कंपनी को, वो डेटा कंपनी वेरीफाई करेगी 1 जैन से लेके 31 मार्च तक. वो डेटा वो वेरीफाई करेगी और फिर वो डेटा फ्लैग को भेजेगी. अभी अगले 2 महीने में माने 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक फ्लैग जो डेटा है, जो कंपनी ने डेटा भेजा हुआ है, दैट डेटा फ्लैग इज गोइंग टू वेरीफाई एंड इश्यू अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. ठीक है, उसके बाद 1 महीने के अंदर माने 1 जून से 30 जून तक फ्लैग वो डेटा आईएमओ जीसिस वेबसाइट पे अपलोड करेगी. आई रिपीट, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जून टू 30th ऑफ जून, फ्लैग
flag is going to submit the data, that is flag is going to upload that data to IMO via GSS website. It is going to do that. So hum log ko is cheez mein ek cheez yaad rakhni hai, jo right side kone mein likha hua hai, ye wala jo likha hua hai right side kone mein, wo apne ko yaad karne ka hai. 1 year, 3 months, 2 months, 1 month. 1 year ship is going to collect data, 3 months company is going to verify the data and send it to flag, 2 months flag is going to verify and issue statement of compliance, and in 1 month flag is going to submit the data to IMO. Ye cheez zarur yaad, dhyan dena, just remember this thing very clearly. 1 year, 3, 2, 1, ye format mein. 1 year, 3 months, 2 months, 1 month, and this is going to be a cyclic process. Now ek saal, 1 full year ship is going to collect data, then 3 months company is going to verify and send the data to flag, 2 months flag is going to verify the data and issue SOC, and 1 month flag is going to submit the data to IMO via GSIS. I hope you have understood. If you have any doubts, please comment and do let me know. Thank you. I hope you have liked the video. Stay tuned, like, share and subscribe, hit the bell icon and never miss your updates, and please comment for any suggestions. Thank you.